मुंडापांडी थाना क्षेत्र के लखनऊ NH24 नेशनल हाईवे मुंडापांडी के ओवरब्रिज के पुल पर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोयले से भरे एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। थोड़ा इधर बुला लो भैया पानी वाला। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह आग के लपटे उठती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि मोड़ा पांडे थाना क्षेत्र के लखनऊ NH24 नेशनल हाईवे मोड़ा पांडे के ओवरब्रिज के पुल पर रात उस समय हड़कंप मच गया जब कोयले से भरे एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रक चालक परिचालक ने आग लगती देख ट्रक से कूद कर बमुश्किल अपनी जान बचाई। ट्रक चालक ने जानकारी देते हुए बताया कि बरेली से कोयला भरकर ट्रक मेरठ के लिए जा रहा था। मोड़ा पांडे के ओवरब्रिज पर ट्रक पहुंचा ही था कि अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने से कोयले से भरे ट्रक में भयंकर आग लग गई। आग को देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये वायरिंग शॉर्ट हो गई। अच्छा, क्या माल भरा हुआ था ट्रक में? इसमें कोयला। कहाँ से ला रहे थे? डेहरी ऑनसोन बिहार से। अच्छा, बिहार से ला रहे थे जी। कहाँ जाना था? मेरठ। तो आग कहाँ पर लगी है, कौन सा चुराया है? अब ये तो मुझे ना पता है। आग किस तरह से लगी है? वायरिंग शॉर्ट होने। अच्छा, लमसम कितना माल ट्रक में भरा हुआ था, किस तरीके का कोई नुकसान जान माल का? ये इसमें 29 टन कोयला भरा था। अच्छा, आप लोगों ने कूद के कैसे जान बचाई, कैसे पता चला आप लोगों को? मेरे को पता लग गया जब अंदर मुझ गए कार सड़ने की। अच्छा, जब तक गाड़ी मैंने रोकी साइड लगाई यहाँ पे। अच्छा, आग पकड़ चुकी थी, बताने की बहुत कोशिश करी पर मेरे अकेले से बुझी ना। अब आग किस तरह से सूचना दी थी तुमने पुलिस को? 112 नंबर लगाया था मैंने, लगा था मेरे से लगा नहीं, एक भाई दूसरा आ गया उसने लगाया था। आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पा लिया गया है। किस तरह की आग लगी थी ट्रक में जब देखा था तो आपने? बहुत भयानक आग लगी थी, सब पूरी कोयला वाला ने सुनने आग पकड़ी। आग की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और राहत की सांस ली। ड्यूटी 25 DT 1040 बरेली से चला था ये, और ये मोटा पांडे के पुल पे आया तो उसमें कोयला भरा हुआ था 29 टन, जिसमें स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन के कारण आग लग गई। और फायर पुलिस को सूचना मिली, तत्काल 2 गाड़ी मौके पर लेकर आए हैं, आपको नियंत्रण कर लिया गया है, जल्दी बुझा ली जाएगी। अच्छा सर, कितना माल ट्रक में भरा हुआ था, किन कारणों से आग लगी है? 29 टन। किस कारणों से बताया जा रहा आग लगी? स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन से लग जाती है ये, अक्सर कोयले में ऐसे ही आग लगती है, अपने आप ही लगती है, जब कोयला घर्षण होता है उसमें लग जाती है। अच्छा सर, जो आग लगी थी तो वाहन चालक, जो चालक परिचालक है, उन्होंने किस तरह से आग? नहीं, वो तो गाड़ी से उतर लिए और उन्होंने शोर किया तो स्थानीय पुलिस ने उसको सुना और ये फायर सर्विस को सूचना दी, तत्काल 2 गाड़ी लेके आए हैं, आपको कंट्रोल कर लिया गया है, बुझाई जा रही है, जल्दी पूर्ण रूप से बुझा लेगा। अच्छा सर, वाहन किस तरीके की जाम की स्थिति को कैसे काबू में किया प्रशासन ने? इसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और आपको बुझाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। सर, किसी की जान माल का कोई खतरा? कोई जनहानि नहीं। घंटों तक जाम की स्थिति आग की वजह से बनी रही और फिलहाल कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है।